सीन सिटी एपिसोड 261 से लेकर 265 तक। सिंक्लेयर के ब्लेड ने फोंटेन की तलवार को उलझा दिया, उसे एक तरफ मोड़ दिया, इससे पहले कि वह अपने बाएं हाथ में खंजर का इस्तेमाल करके उसके गले पर वार करने की कोशिश करती। हालांकि फोंटेन की आभा अचानक से शक्तिशाली हो गई। हालांकि यह क्रूर नहीं थी, लेकिन यह आभा लचीलेपन की थी। कलाई के कुछ झटकों ने उस आदमी को उलझन से मुक्त होने दिया और अपना हथियार उसकी लगभग नंगी छाती की ओर फेंक दिया। सिंक्लेयर ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उसके हाथों पर महसूस होने वाला दबाव उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत का स्पष्ट संकेत था। वह बिना किसी निशान के किनारे की ओर बढ़ने लगी। जब तक वह कुछ दूरी बना पाती, वह तुरंत गायब हो जाती और एक अकल्पनीय कोण से घातक प्रहार करने में सक्षम हो जाती। हालांकि बैरन की तलवारबाजी और शक्ति अप्रत्याशित थी। वह एक छाया की तरह उसके करीब रहा, उसे अपनी क्षमता का उपयोग करने का मौका नहीं दिया। दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की, तलवार और खंजर अनगिनत बार टकराए। भले ही फोंटेन नुकसान में था, फिर भी वह वापस हमला करने की ताकत को बचाने में कामयाब रहा। उसकी तलवारबाजी का हुनर पूरी तरह से सामने आया। कुछ समय के लिए सिंक्लेयर वास्तव में उसके जाल में फंस गया था। कुछ ही दूरी पर रिचर्ड चुपचाप किनारे से लड़ाई देख रहा था। उसने पहले ही रक्षा की कमान संभाल ली थी और लगातार जादू कर रहा था जिससे बैरन अपनी चपलता बनाए रख सके। उसने बैरन के अधीन 2 लेवल 8 जादूगरों को भी निर्देश दिया था कि वे सिंक्लेयर को जितना हो सके उतना शाप दें। भले ही वे कमजोर थे, लेकिन लक्ष्य के प्रतिरोध से मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। तीनों जादूगरों ने मिलकर सिंक्लेयर की रक्षा को तितर बितर करने में कामयाबी हासिल की थी। 1 मिनट में ही रिचर्ड ने 7 आदेश दे दिए थे। दीवारों पर तैनात पहरेदारों को हरकत में लाया गया था। पहले से साफ सुथरी संरचनाएं धुंधली होती जा रही थीं। हालांकि ये आदेश अंधेरे से नहीं थे। उसकी अनुबंधित पार्टी और हवा के भेड़िए आगे पीछे दौड़ रहे थे, सैनिकों को उनके पदों पर इकट्ठा कर रहे थे। इस समय तक भालू रक्षक शूरवीर पहले से ही महल के 10 मीटर के भीतर थे, जबकि मैंटिकोर हमला करने के लिए सही समय की तलाश में आसपास ही आगे पीछे घूम रहा था। ट्वाइलाइट कैसल की दीवारें बहुत ऊंची नहीं थीं और यह निश्चित रूप से एक ही छलांग में वहां तक पहुंच सकता था। यहां तक कि अनाड़ी और भारी भालू रक्षक शूरवीर भी इसे बनाने में सक्षम थे, अगर उन्हें मध्य बिंदु पर खुद को ऊपर उठाने के लिए एक पैर जमाने का स्थान मिल जाए। जब परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार विकसित होने लगी, तो रिचर्ड को अचानक ये भ्रम हुआ कि दुनिया में सब कुछ नियंत्रण में है। वह पूरे युद्ध के मैदान से ऊपर उठकर सभी को नीचे देखते हुए खड़ा था। सिंक्लेयर की सेना भालू रक्षक शूरवीरों और महान जादूगर द्वारा किए गए हमले का झटका, जो अभी अभी बैलिस्टे की सीमा से बच निकलने में कामयाब हुआ था, धीरे धीरे कम होने लगा था। दीवारों पर अराजकता कुछ और नहीं बल्कि दिखावा थी। बस 1 मिनट में उसके सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। जो शूरवीर दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो जाते, उन्हें भारी दबाव का सामना करना पड़ता। वे हर जगह घायल हो जाते क्योंकि उनका प्रतिरोध और भी भयंकर होता जाता। युद्ध के मैदान में ज्यादातर लोगों को इस अंतर का एहसास नहीं होता, लेकिन रिचर्ड को पता था कि जीत की कुंजी अपने दुश्मन को धीरे धीरे खत्म करने में है। सिंक्लेयर ने भी गति में बदलाव महसूस किया था। फोंटेन के क्रूर हमलों ने उसे रिचर्ड की तरह युद्ध के मैदान का स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाने में असमर्थ बना दिया, लेकिन युद्ध के वर्षों के अनुभव से उसकी गहरी अंतर्ज्ञान ने उसे खतरे की आभा को महसूस करने में मदद की। अपने आसपास की चीजों पर एक त्वरित नजर डालने से उसे पता चल गया कि कुछ लोग उसे घेरने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वह इस विचार पर ठंडी हंसी रोक नहीं पाए। कोई भी साधारण व्यक्ति इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि लेवल 14 का बैरन भी उसकी नजर में कचरा ही था। उन्हारने वालों की तो बात ही छोड़िए, जो सिर्फ लेवल 11 या 12 के थे। एकमात्र सवाल ये था कि क्या इन परेशान करने वाले कीड़ों से खुद को बचाने के लिए छोटे मोटे घाव का जोखिम उठाना उचित था, या क्या वह विपक्ष के कमजोर होने या गलतियां करने का इंतजार करेगी। रिचर्ड इस अभियान में यही उसका असली लक्ष्य था। मौका जल्द ही आ गया। उसके खंजरों के अचानक जोरदार झटके ने बैरन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसने हमला करने का मौका लिया। आसपास के योद्धा जिन्हें हमला करने का मौका नहीं मिला था, उनकी छाती और गले खून से लथपथ हो गए। वे लड़खड़ाए लेकिन गिरे नहीं। उस समय हत्यारा अपनी आकर्षक आंखों से रिचर्ड पर नजरें गड़ाए आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में लंबा खंजर उल्टी पकड़ में था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और नीचे वार किया। आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये युद्ध में सिंक्लेयर का सबसे बड़ा फायदा था, अप्रत्याशित हरकतें और रहस्यमय हमले। उसकी परिधीय दृष्टि धुंधली होने लगी क्योंकि उसके और रिचर्ड के बीच एक रेखा उसके दिमाग में पहले से ही बन चुकी थी। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता, वह या तो तुरंत चकमा खा जाता या मारा जाता। जो भी मामला था, जब तक उसके दाहिने हाथ में ब्लेड गिरता, वह निश्चित रूप से रिचर्ड के गले में जा लगता। सिंक्लेयर की नजर में कोई भी जादूगर आसान लक्ष्य था। अगर वह करीब पहुंच जाती तो एक महान जादूगर भी अपने भाग्य से बच नहीं पाता। सबसे बुरी स्थिति में वे कुछ और वार सहने के बाद भी बच पाते।
उसके हाथों में मौजूद खंजरों में जादू को पीछे हटाने की क्षमता थी। वे नॉर्लैंड में भी ईश्वरीय हथियार थे। उसका दाहिना पैर जमीन पर टिका हुआ था, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। हालांकि जब वह गुस्से से फटने ही वाली थी, रिचर्ड अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, फ्लोसेंड। चीख बहुत तेज और उत्सुक थी। रिचर्ड का चेहरा पहले से ही सिंक्लेयर की नजरों में विकृत हो चुका था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा चौंक गई। फ्लोसेंड, यह एक जाना पहचाना नाम था, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने इसे पहले कहां सुना था। वह केवल एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी दिशा में दौड़ना जारी रखा। अचानक उसे एहसास होने लगा कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। उसे लगा जैसे वह पानी के अंदर है। रिचर्ड का विकृत चेहरा उसके चारों ओर फैल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें उसे पीछे धकेल रही हैं और बाकी सभी अचानक तेज हो गए हैं। आवाजें तीखी और खंडित हो गईं, जैसे कि जंग लगे लोहे के दो टुकड़े आपस में रगड़े जा रहे हों। उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह सामग्री को समझ सके, लेकिन उसे लगभग यकीन था कि उसके दुश्मन जयकार कर रहे होंगे। अगले ही पल उसे आखिरकार समझ आ गया। उसने वाकई इंसानों की आवाजें सुनी थी, बस उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि कानों को चुभने वाली लग रही थीं। उसने अपना हमला जारी रखा। उसके पैर जमीन से समान रूप से उछल रहे थे जैसे ही वह हमला कर रही थी। उसकी क्षमता ने उसके आसपास के प्रकाश को विकृत कर दिया, और गति का विस्फोटक विस्फोट दूसरों को भ्रम में डाल देगा कि वह टेलीपोर्ट हो गई है। हालांकि अब जब बाकी सभी बहुत तेज चल रहे थे, तो वह समूह में सबसे धीमी हो गई थी। कुछ तो हुआ होगा। सिंक्लेयर के दिल में एक अभूतपूर्व भय पनपने लगा, लेकिन उसकी हरकतें और विचार अभी भी सुस्त थे। अब भी वह स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। एकमात्र चीज जिसने उसे सुकून दिया, वह थी कई सैनिकों की भ्रमित निगाहें जो उसे खोजने की कोशिश में इलाके में घूम रहे थे। कम से कम अब वह अपनी आधी अदृश्य अवस्था में थी। उस पल उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। उसने नीचे देखा, ये देखकर हैरान रह गई कि सुनहरी लपटों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। यह एक शुद्ध दिव्य अग्नि थी जिसे केवल पुजारी और महान जादूगर ही दूर कर सकते थे। ये तथ्य कि वे लगातार नुकसान पहुंचाएंगे गौण था। सिंक्लेयर का सबसे बड़ा डर यह था कि उसके चारों ओर की लपटें उसकी अदृश्यता को खत्म कर देंगी। एक और बड़ी समस्या थी, इन लपटों को आगे बढ़ाने वाली शक्ति अनंत ड्रैगन की दिव्य शक्ति थी। इस विमान पर अनंत ड्रैगन की शक्तियां कैसे प्रकट हुईं? सिंक्लेयर ने पहले ही जांच कर ली थी, जिससे पुष्टि हुई कि इस विमान पर केवल स्थानीय देवता ही थे। अनंत ड्रैगन से संबंधित कोई किंवदंतियां या मिथक नहीं थे। सभी तरह के विचार एक साथ उसके दिमाग में कौंध गए, खासकर उस बुझे हुए लाइट हाउस ऑफ टाइम के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि इस विमान पर पहले से ही नॉर्लैंड के किसी बड़े प्रभाव ने कब्जा कर लिया था और उसे किसी जाल में फंसा दिया गया था? जैसे ही उसके मन में डर और झिझक भर गई, उसे अचानक अपने दिल, पीठ के बीच और कमर के किनारे जलन महसूस हुई। यह उस पर जानलेवा हमले का पूर्वाभास था। उसके दिल में खतरे की भावना सबसे ज्यादा थी। यह एक ऐसा झटका था जो उसके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। वह अचानक चीखने लगी। उसके लंबे बालों का हर एक कतरा खड़ा हो गया और उसके दिल का आकार लगभग दोगुना हो गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ जब उसके भीतर से ऊर्जा फूट पड़ी और उसके शरीर को ढकने वाली अदृश्य दिव्य शक्ति टूट गई, जिससे उसके विचार और हरकतें सामान्य गति पर लौट आईं। बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी ओर एक तेज चमक देखी, बैरन फाउंटेन की तलवार की नोक। तलवार की धार पर चमक पहले की टिमटिमाती रोशनी से बिल्कुल अलग थी, जो संयमित लेकिन लगभग दोगुनी ताकत के साथ गरिमा में दिखाई दे रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक गुप्त तलवार कला थी। अगर ये तलवार उसके दिल को भेदती, तो इसके पीछे की भयानक ऊर्जा तुरंत उसे टुकड़े टुकड़े कर देती। डार्क सेक्रीफाइस भी उसे एक अपरिवर्तनीय मौत से नहीं बचा पाती। दिल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक जादुई कुल्हाड़ी उसकी पीठ के निचले हिस्से पर निशाना साध रही थी, जबकि एक और लंबी तलवार उसकी पसलियों की ओर बढ़ रही थी। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने वाला तगड़ा आदमी बहुत ताकत से आगे बढ़ा। उसके वार के पीछे की ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। हालांकि उसने भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। दूसरी ओर तलवार वाली युवती केवल 11वीं स्तर की थी। स्तर में इतनी असमानता का मतलब था कि उसे उस हमले पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि वह अपने हाथ के एक झटके से लड़की का सिर काट सकती है, लेकिन वह युवती अनियंत्रित और आकर्षक लग रही थी। उसके आसपास जंगली सुंदरता का एक अवर्णनीय भाव था, खासकर जब वह तेज गति से चलती थी। दोनों लिंगों के साथ बहुत अनुभव होने के बावजूद सिंक्लेयर की दिलचस्पी जागृत हुई। उसका इस सुंदरता को मारने का कोई इरादा नहीं था। यह उस महत्वपूर्ण क्षण में था जब उसकी हरकतें अचानक से कठोर हो गईं। रिचर्ड का धीमा करने वाला मंत्र और जेनराल का श्राप लगभग एक ही समय में उस पर उतरा था। रिचर्ड, सिंक्लेयर ने विष से चीख कर कहा। थोड़ी सी देरी ने फाउंटेन की तलवार को आने के लिए पर्याप्त समय दिया और उसे खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके खंजरों ने हर जगह धुंधली छाया डाली, जबकि एक ने तलवार को रोक दिया, दूसरा बैरन की छाती पर निशाना लगाने के लिए पलट गया। फाउंटेन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखी जैसे ही तेज तलवार ने झटका मारा और छोटे खंजर को फेंक दिया।
यह उसके दिल की ओर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। इसकी सतह पर ज्वलंत ऊर्जा अधिक से अधिक केंद्रित होती जा रही थी। उसी समय उसने खुद को बचाने के लिए अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश की। तेज तलवार और लंबे खंजर ने अपने विरोधियों पर लगभग एक ही समय में वार किया। कमजोर करने वाले मंत्रों के कारण सिंक्लेयर को पीछे से होने वाले हमलों की परवाह नहीं थी। उसने अपने शरीर को भी हिलाया, तेज तलवार की धार को रोकने के लिए अपने बाएं स्तन पर कवच का उपयोग करने के लिए संघर्ष किया। छाती के कवच के टुकड़े टुकड़े होने पर एक जोरदार आवाज हुई, जिससे उसके स्तन के बर्फीले सफेद भाग पर खूनी निशान बन गए। उसकी छाती का बायां हिस्सा खुला हुआ था, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया। सिंक्लेयर के उत्तम स्तनों की गोरी और चिकनी उपस्थिति केवल उजागर मांस तक ही सीमित थी। कवच से ढका हुआ हिस्सा वास्तव में एक परिष्कृत सोने की प्लेट थी, जो चमकदार रक्त लाल रून से ढकी हुई थी। यह उसका ग्रेड 4 रून था, डार्क सैक्रिफाइस। कवच को उड़ाकर फाउंटेन की तलवार सिंक्लेयर के कंधे में घुस गई और लगभग उसमें घुस गई। हालांकि ऐसी चोट सामान्य रूप से केवल मांस का घाव होती है, लेकिन पूरी ताकत से वार करना इतना आसान नहीं था। सिंक्लेयर खुद बचाव में माहिर नहीं थी। उसकी छाती पर रून से टूटने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि उसकी सतह पर एक के बाद एक दरारें दिखाई दे रही थीं। पूरी चीज लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। आहिक बेहद दर्दनाक चीख निकली। उसकी कलाई के झटके से फाउंटेन की पसलियां कट गईं, जिससे उसकी छाती में गहरा घाव हो गया और उसका बायां हाथ पूरी तरह से कट गया। उसी समय गैंगडोर की कुल्हाड़ी और वाटरफ्लावर की तलवार सिंक्लेयर पर गिर पड़ी। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन सिंक्लेयर की पीठ पर लबादा अचानक ऊपर उठा और उसके कवच के पीछे से सुनहरे राक्षसी पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। पंख खुद को भयावह रूप से फैलाते हुए गैंगडोर के पूरे वार को रोकते हुए। गैंगडोर के शरीर की सभी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। गया की शक्ति और रून ने मिलकर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। एक जबरदस्त शक्ति जो सोने को काट सकती थी और पत्थरों को कुचल सकती थी, सिंक्लेयर पर उतरी, जिससे उसका लबादा टुकड़े टुकड़े हो गया। विशाल कुल्हाड़ी ने उसकी पीठ पर काले कवच को काट दिया, जिससे हड्डी तक गहरा घाव हो गया, इससे पहले कि वह उसकी ऊर्जा से दूर हो जाए। अनंत विश्राम के चरवाहे ने सिंक्लेयर के शरीर को छेद दिया। तलवार की धार पर एक काली आभा तैर गई, इससे पहले कि वह सिंक्लेयर के शरीर में घुस जाए। वाटरफ्लावर के शरीर पर हल्की चमकती हुई काली चमक उसके रून सेट से आई थी, जिससे वह अंधेरे में विलीन हो गई। इसने उसके विरोधियों को अवचेतन रूप से उसकी उपस्थिति की उपेक्षा करने पर मजबूर कर दिया। अभी भी रात का सन्नाटा था, आसमान में काले रंग की गहरी छाया थी। शाश्वत विश्राम के चरवाहे की पूरी शक्ति प्रकट हो चुकी थी। किनारे पर दिखाई देने वाली काली छाया ने उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया था। वह अंधेरे की सांस की छाया थी। ये संयुक्त सेट की क्षमता थी, जो वाटरफ्लावर द्वारा दिया जा सकने वाला सबसे शक्तिशाली प्रहार था। सिंक्लेयर के दिमाग में एक भयावह बर्फीली भावना तुरंत भर गई। वह कभी भी मौत के इतने करीब नहीं आई थी। ये लगभग ऐसा था जैसे रीपर ने अपनी बर्फीली गीली जीभ बाहर निकाली हो और धीरे से उसके कान के लोब को चाट रही हो। वह पागलों की तरह चीखी और फाउंटेन को एक लात से उड़ा दिया, जिससे उसकी तलवार उसके हाथों से अलग हो गई। स्याही की तरह काले खून के मोती तलवार की धार पर दाग रहे थे। सिंक्लेयर ने अपने पीछे खंजर लहराए, जिससे गैंगडोर और वाटरफ्लावर को रिफ्लेक्स से चकमा देना पड़ा। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए रिचर्ड की ओर बेतहाशा हमला किया। हालांकि अभियान पर जाने वाला हर व्यक्ति किसी भी क्षण मौत का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन सिंक्लेयर ने कभी नहीं सोचा था कि यह क्षण इतनी जल्दी आ जाएगा। उसके रून को पहुंचाया गया गंभीर नुकसान उसके शरीर के अन्य हिस्सों में लगी गंभीर चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर था, खासकर एक विदेशी विमान में जहां से उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल सकता था। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, अगर उसे मरना भी था तो वह रिचर्ड को भी अपने साथ घसीट कर ले जाएगी। यहां बाकी सभी लोग बेकार के थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं थी। सिर्फ रिचर्ड ही उसकी हैसियत से मेल खा सकता था, जो उसके मरने के लायक था। अचानक सिंक्लेयर और रिचर्ड के बीच तीन राजसी और शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं। ये आर्करॉन के तीन शूरवीर थे। वे सिंक्लेयर की हरकतों को बिल्कुल नहीं देख सकते थे, लेकिन निशान से पता चलता था कि वह रिचर्ड को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। क्षमता में भारी अंतर ने उन्हें इस राक्षसी युवा लड़की के खिलाफ लड़ने से रोक दिया, इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प था कि वे उसे रोकने के लिए अपने शरीर को एक बाधा के रूप में इस्तेमाल करें। सिंक्लेयर उन्हें ये भी नहीं बता पाई कि वे चले जाएं। उसने उनके पास मौजूद हथियारों पर एक नज़र भी नहीं डाली, नहीं उसने उनके वार से बचने की कोशिश की। उसने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल ब्लेड और उनके मालिकों को दूर धकेलने के लिए किया। उसके खंजर अविश्वसनीय गति से उड़ रहे थे। वह उन्हें दसियों बराबर टुकड़ों में काट देती, जो प्रभाव पड़ने पर उड़ जाते। गैंगडोर ने सिंक्लेयर का पीछा किया, लेकिन गति उसकी ताकत नहीं थी। वाटरफ्लावर ने जल्दी से उसे पीछे छोड़ दिया। उसके रून सक्रिय हो गए और उसकी गति बढ़ गई, जिससे वह सिंक्लेयर से सिर्फ एक बाल की दूरी पर रह गई। तीनों शूरवीरों को रिचर्ड के सामने ही टुकड़ों में काट कर उड़ा दिया गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, उसका पूरा शरीर तीव्र भय और क्रोध से कांप उठा। हालांकि वह शांत और सटीक रहा और उसने होल्डिंग की पुस्तक निकाली।
मृत्यु की एक समृद्ध शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई और अंधेरे का एक लंबा और मजबूत योद्धा सिंक्लेयर की बाधाओं में शामिल हो गया। जब सिंक्लेयर ने योद्धा को धक्का दिया तो एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वह सैकड़ों किलोग्राम वजन वाले प्राणी को दूर नहीं भेज सकी। उसने अपना बायां खंजर योद्धा की गर्दन पर कवच के छेद में घुसा दिया, जिससे उसका सिर मुड़ गया और वह पूरी तरह से बेकार हो गया। अंत में अब कोई बाधा नहीं थी। सिंक्लेयर ने दर्द में अपने दांत पीसते हुए मुस्कुराया और एक बार फिर अपने दाहिने हाथ में खंजर उठाया। आधे सेकंड से भी कम समय में वह अपने सामने खड़े इस जादूगर को 30 बार काट सकती थी। वह केवल उसका सिर, दिल और अंग ही रख सकती थी, उसके केवल वे अंग जो मूल्यवान थे। खंजर की नोक उसकी जांघ से शुरू होगी। जादूगर के रूप में रिचर्ड की गहरी जागरूकता ने उसे बताया कि उसके सामने मौजूद इस दानव के पास कम से कम 15 वार करने के लिए तैयार है। उसे विश्वास था कि यह उसे उसकी मृत्यु के करीब आने पर एक अविस्मरणीय याद देगा। उसकी राय में मृत्यु से पहले जितना अधिक भयभीत होगा उसका दिल उतना ही अधिक स्वादिष्ट होगा। हालांकि उसे एक घबराया हुआ किशोर नहीं बल्कि एक आदमी और उसकी तलवार मिली। उसकी नज़र उसके माथे पर लगे एक आकर्षक लाल चांद पर पड़ी। रिचर्ड ने अनाम तलवार को ऊपर उठाया हुआ था। विस्फोट की शक्ति लाल रंग के चंद्र बल के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। कोई चीख या दहाड़ नहीं थी, बस अपने दुश्मन की ओर एक शांत झटका था। ऊर्जा ने उसके प्रहार की दिशा में एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाई, जिससे सिंक्लेयर को रोकना पड़ा। सिल्वर मून की गुप्त तलवार ने उसे उसके रास्ते में ही रोक दिया था। अगर उसने इस मुद्दे पर जोर दिया होता तो वह उसे अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही दो टुकड़ों में काट देता। तलवार कला, क्या ये लाल चांद की शक्ति नहीं है? ये कैसे संभव है? सिंक्लेयर ने चौंक कर चिल्लाया। हालांकि उसके ब्लेड फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के रिचर्ड की ओर वार करते रहे। इरप्शन की सहायता से रिचर्ड का शरीर शक्ति से भर गया। उसके सिर के ऊपर का चांद और भी साफ होता गया। सिल्वर मून की गुप्त तलवारों की शक्ति और भी बढ़ गई। सिंक्लेयर की सारी हरकतें उसके चंद्रबल की सीमा में आ गईं, जिससे उसे घातक प्रहार से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उस अर्धचंद्र की चमक में दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। रिचर्ड के शरीर के अंदरूनी हिस्से जल रहे थे। उसकी रक्त रेखा से शक्ति का हर उछाल भयंकर दर्द के साथ था। विस्फोट उसकी नसों और रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर रहा था, जैसे कि वह लावा हो। शुक्र है उसे बस थोड़ी देर के लिए ही टिके रहने की जरूरत थी, जब तक कि उसकी टीम एक बार फिर सिंक्लेयर को घेर न ले। वह राक्षसी लड़की जिसका शरीर अभी भी जादुई आग में जल रहा था अब अदृश्य नहीं थी और समय के लेंस की शक्ति भी प्रदर्शित हुई। हालांकि सिंक्लेयर ने जादू को तोड़ने के लिए मजबूर किया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उसकी हरकतें धीमी हो गई थीं। उसकी दृष्टि में अभी भी हर जगह संख्याएं उछल रही थीं। रिचर्ड को स्पष्ट रूप से पता था कि सिंक्लेयर को उससे कहीं ज्यादा गंभीर चोटें लगी थीं, इसलिए उसने बस अपने दांत भींचे और दृढ़ रहा। वह गुप्त तलवार से गुप्त तलवार पर स्विच करता रहा, जैसे कि वह पागल हो, पूरी तरह से परिणामों की अनदेखी करते हुए। सिंक्लेयर ने दो बार और हमला किया, लेकिन फिर अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया। वह हवा में उछली और वाटरफ्लावर के सिर के ऊपर से छलांग लगाते हुए युवती पर वार करने लगी। जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो हवा में कई बार धमाके हुए। सिंक्लेयर की छाती पर एक और हल्का घाव रह गया था, लेकिन इस घाव के चारों ओर एक घनी काली ऊर्जा स्पष्ट रूप से लिपटी हुई थी। हालांकि वाटरफ्लावर का घाव कहीं ज्यादा गंभीर था। उसका पेट लगभग पूरी तरह से कट गया था, जिससे उसकी हिलती हुई आंतें बाहर आ गई थीं। युवती लड़खड़ा कर गिर पड़ी। हालांकि उसने अपने दांत भींच लिए और अपने बाएं हाथ से भयानक घावों को ढक लिया। उसकी तलवार की धार अभी भी हल्की सी हिल रही थी, किसी भी समय घातक वार करने के लिए तैयार। वाटरफ्लावर पीछे हटो, रिचर्ड ने हताश होकर चिल्लाया। हालांकि युवती ने परवाह नहीं की। वह अभी भी एक भेड़िए की तरह अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर रही थी, यहां तक कि झपटने की तैयारी में नीचे झुकी हुई थी। सिंक्लेयर ने अपने पेट पर रून को देखा और फिर अपने घाव से फैलती काली ऊर्जा को देखा और फिर एक बार चिल्लाई, रून, तुम्हारे पास रून सेट है। यहां तक कि एक मास्टर द्वारा बनाया गया ग्रेड एक सेट जो उसके उपयोगकर्ता के साथ संगत था। डार्क सेक्रीफाइस को छोड़कर उसके सभी ग्रेड 3 रूनों के बराबर था। सिंक्लेयर के रून सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए चुने गए थे, इसलिए वे बिल्कुल भी सेट नहीं थे। एक युवा स्तर 10 लड़की पर रून सेट देखना आश्चर्यजनक था। इस रात कई अप्रत्याशित आश्चर्य हुए थे। वह एक बार फिर वाटरफ्लावर पर झपटना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने चांदी की चांदनी चमक उठी। चांदनी शक्ति ने उसे घिनौना और भयभीत कर दिया। कई चोटों ने उसे इस अज्ञात शक्ति के संपर्क में आने से भयभीत कर दिया था, इसलिए वह डर के मारे अपनी मूल स्थिति छोड़कर भाग गई। हालांकि अपेक्षित हमला नहीं हुआ। सिंक्लेयर ने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि रिचर्ड अपनी तलवार लहरा रहा था। उसके सिर के ऊपर चांदी का चांद चमक उठा। उसका उद्देश्य हमला करना नहीं बल्कि डराना था। रिचर्ड का चेहरा पीला पड़ गया था, तलवार थामे हुए हाथ कांप रहे थे। फिर भी सिंक्लेयर ने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। स्नो मून ने उसे खतरे का एक मजबूत एहसास कराया।
इस पूरी लड़ाई के दौरान वह इस जादूगर को नहीं देख पाई थी या उसकी हरकतों का अनुमान नहीं लगा पाई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह कमजोरी सिर्फ एक जाल थी। हालांकि उसके सामने वाला प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 10 लेवल का जादूगर था, लेकिन अब उसे एक झटके में मार डालने का भरोसा नहीं था। युद्ध के मैदान में झिझक बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। दोनों विंग के योद्धा एक दूसरे के करीब आ गए और अनगिनत हथियारों ने सिंक्लेयर पर वार करना शुरू कर दिया। फ्लोसेन चुपचाप वाटरफ्लावर के पीछे आ गया, उसे गले लगाया और उसे फ्रंटलाइन से दूर खींच लिया। वाटरफ्लावर ने पहले तो संघर्ष किया, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि पादरी की आंखों, नाक और होठों से एम्बर तरल की धाराएं बह रही थीं। यह उसका खून था जो दिव्य शक्ति के साथ मिला हुआ था। यह वह कीमत थी जो उसने सिंक्लेयर पर समय का लेंस थोपने के लिए चुकाई थी। वाटरफ्लावर की आंखें हल्की सी झपक उठी और उसने फ्लोसेंट को उसे दूर ले जाने दिया। सिंक्लेयर के ब्लेड के वार में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा थी और हालांकि वह वहां खड़ी रहने के लिए हठपूर्वक इसका विरोध कर रही थी, लेकिन हवा का एक झोंका उसे जमीन पर गिरा सकता था। मौत का डर खत्म होने के बाद सिंक्लेयर का उन्माद धीरे धीरे खत्म हो गया। वह अब भी सामान्य सैनिकों को आसानी से मार सकती थी, जिससे उसे लगता था कि उसकी चोटें उतनी बुरी नहीं है जितनी उसने सोची थी। कम से कम अभी भी बचने की संभावना थी। आखिरकार उसने पीछे हटने का फैसला किया, गंगडोर के हमले से बचते हुए महल की दीवारों की ओर भागी। रास्ते में कुछ और सैनिक मारे गए, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता चला कि उसने ये कैसे किया। इससे पहले कि वह भाग पाती, रिचर्ड ने उसकी ओर एक गहरी नजर डाली। उसकी नजर स्पष्ट और अविचल थी, लेकिन कोई भी उसके पीछे के इरादे को नहीं समझ पाया। किसी कारण से शुम्पीटो लड़की को अपने दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जिसने उसके गुस्से और हताशा को कम कर दिया। अनगिनत झगड़ों के अनुभव ने उसे बताया कि कुछ लोग अपने विरोधियों के खिलाफ चिल्लाते और गुस्सा नहीं करते। जब वह आखिरकार दीवारों तक पहुंची तो सिंक्लेयर रुक गई और पीछे मुड़ी। अपने खंजर ऊपर उठाए हुए उसने आसपास के सभी लोगों पर खतरनाक मौत की नजर डाली। भालू रक्षक शूरवीर पहले से ही नीचे थे और मुख्य द्वार पर पहरेदार उन्हें रोकने में सक्षम नहीं थे। वह यहां तब तक इंतजार करेगी जब तक उसके सैनिक दीवारों पर चढ़ नहीं जाते, जिससे उन्हें महल में सभी को मारने का मौका मिल जाता। फाउंटेन और वाटरफ्लावर पहले ही अपनी सारी ताकत खो चुके थे, अब वे कोई खतरा नहीं थे। रिचर्ड का पहले का कौशल प्रदर्शन एक आश्चर्य के रूप में आया, लेकिन तर्कसंगत रूप से सोचने पर वह बता सकती थी कि यह उसके जीवन के लिए एक हताश लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे जादूगर का सीधे सामना करने की भी जरूरत नहीं थी। वह एक कोने में तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि वह अपनी सारी ऊर्जा खत्म नहीं कर देता। हालांकि दूर से रिचर्ड की ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम समय की कमी महसूस कर रहे हो। इतनी जल्दी नहीं, रिचर्ड ने एक बार फिर बुक ऑफ होल्डिंग निकाली और अंधेरे के दो और योद्धा सिंक्लेयर को घेरने के लिए आगे आए। युद्ध के मैदान में सीमित जगह होने के कारण इन योद्धाओं में अपार शक्ति थी और उन्हें अपने जीवन के लिए कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भारी कुल्हाड़ियों को लहराया, जिससे वह थक गई क्योंकि उसे बार बार ब्लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंधेरे का एक और योद्धा भी जल्दी ही प्रकट हुआ। इस बार उसे उसकी स्थिति के सामने जमीन पर बुलाया गया था। ये रिचर्ड का निर्देश था, जिसने दो भालू रक्षक शूरवीरों को मजबूर किया जो वहां दीवार पर चढ़ना चाहते थे कि वे पहले उससे लड़ें। योद्धा एक बनाम दो लड़ाई में लंबे समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन उसे बस समय के लिए रुकना था और सिंक्लेयर को और भी अधिक खतरे में डालना था। सिंक्लेयर ने अपने हाथों में एक और दिल थाम लिया। हालांकि उसे आमतौर पर ऐसा लगता था कि ये दिल खाने लायक नहीं है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे कुछ ही बार में निगल लिया। हालांकि वह अंदर की ऊर्जा को अवशोषित करने में सफल नहीं हुई, बल्कि उसके मुंह से काला खून निकलने के साथ ही वह जोर से खांसने लगी। उसके बाएं स्तन पर लगे रून से भी खून बहने लगा। इस समय तक कुछ भालू रक्षक शूरवीरों ने दीवार पर चढ़ना समाप्त कर दिया था, लेकिन उन्हें अनगिनत भालों और भारी कुल्हाड़ियों का सामना करना पड़ा जो आक्रमण और बचाव दोनों में कुशल योद्धाओं से लड़ रहे थे। उनकी कुल्हाड़ियों के हर वार से कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन हर बार उन्हें कई चोटें भी लगीं। बैरन के कुलीन, रिचर्ड के शूरवीर और बर्बर योद्धा सभी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे और घिरे होने के कारण भालू रक्षक शूरवीर खुद को छिपा नहीं सकते थे। बचाव भी भालू रक्षक की ताकत नहीं थी। घोड़े से उतरा एक शूरवीर अपनी आधी गतिशीलता खो देता था। जेनराल अंधेरे में छिपा हुआ था, एक के बाद एक अंधेरे योद्धाओं को बुला रहा था। युद्ध कितना अराजक हो गया था, इन स्तर 12 मरे हुए प्राणियों ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया। रिचर्ड लगातार अपनी सेना को बियगार्ड शूरवीरों का विरोध करने के लिए आगे बढ़ा रहा था, साथ ही दीवारों के ऊपर सिंक्लेयर पर नजर रख रहा था। भले ही वह लगातार दिलों को खोदकर खा रही थी, लेकिन उसकी चोटों में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उसके रून में हस्तक्षेप कर रही थी, जिससे हर बार जब वह ऊर्जा अवशोषित करती तो हालात और खराब हो जाते। वह हठपूर्वक अपने हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रही थी, नीचे के शूरवीरों के अंधेरे के योद्धा को खत्म करने और दीवारों पर चढ़ने का इंतजार कर रही थी। रिचर्ड को इरप्शन का उपयोग करने से होने वाली कमजोरी से लड़ने के लिए अपने दांत पीसने पड़े।
वह पानी की तरह मंत्र बांट रहा था। बियरगार्ड शूरवीरों को कमजोर करने और अपने योद्धाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। पूरी लड़ाई एक जटिल कीमिया मशीन की तरह लग रही थी, जो लगातार उसी तरह से चल रही थी जैसा उसने कल्पना की थी। हर बियरगार्ड नाइट के पक्ष में एक हताश लड़ाई थी। उसने देखा कि ट्रोल भाई एक एक को घसीटते हुए दीवारों से कूद गए और एक साथ नीचे गिर गए। गिरने के प्रभाव से दोनों पक्ष उठने में असमर्थ हो गए, लेकिन बियरगार्ड नाइट्स को संयुक्त वजन के कारण कहीं अधिक नुकसान हुआ। ट्रोल्स ने जिस उल्लेखनीय पुनर्जनन का दावा किया था, उसके बिना वे फिर से नहीं उठ पाते। ट्रोल्स अंततः लड़ाई जारी रखते, लेकिन वे बख्तरबंद लाशों में बदल जाते। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ भालों से लैस तीन बर्बर योद्धाओं ने तीन दिशाओं से एक शूरवीर के शरीर में छेद कर दिया था। रेगिस्तानी योद्धा और फाउंटेन की सेना पीछे से आगे बढ़ी, लगातार शूरवीर के कवच की दरारों में छेद करते हुए। हर जगह छेद किए जाने के बावजूद शूरवीर खड़ा रहने में कामयाब रहा। उसने अपनी मुठियां लहराते हुए दहाड़ लगाए और आसपास के दुश्मनों को गिरा दिया। एक शूरवीर अचानक उछला और अपने हाथ में बड़ी दो हाथ वाली तलवार लहराई, जिससे भालू रक्षक शूरवीर की आधी गर्दन कट गई। वह व्यक्ति दर्द से दहाड़ने लगा। उसने अपने अंतिम क्षणों में शूरवीर के पैरों को पकड़ लिया और उसे हवा में ही दो टुकड़ों में चीर दिया। उसके बाद ही वह धीरे धीरे गिर पड़ा। हर जगह खून बह रहा था। इस विचार पर रिचर्ड की नज़र अनजाने में सिंक्लेयर पर चली गई। उसका आकर्षक चेहरा काले खून से सना हुआ था। उसकी छाती पर टूटे हुए रून से भी लाल काला तरल बह रहा था। उसे घृणा की एक मजबूत भावना महसूस हुई, एक स्वाभाविक घृणा जो उसके एल्वेन रक्त से आती हुई प्रतीत हुई। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि दो ध्रुवीय विपरीतताओं के बीच सच्चा विरोध था। काले खून से चिड़कर रिचर्ड का अपना सिल्वर मून खून बहुत शक्तिशाली हो गया। यह ऊर्जा से उबलने लगा, मानो उसे युद्ध के लिए उकसा रहा हो। रिचर्ड ने खुद से ही बड़बड़ाया और उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। आखिरकार उसने कुछ अकल्पनीय पर फैसला किया। उसने अपने और सिंक्लेयर के बीच की दूरी का अनुमान लगाया। अचानक आगे बढ़ा तो उसके सिर के ऊपर जैद हरे रंग का चांद दिखाई दिया। तीसरा चांद, हरा चांद, इसी गुप्त तलवार का नाम था भक्ति प्रार्थना, एक ऐसा कौशल जो पादरी के उपचार के बराबर था। तलवार का उपयोगकर्ता इसे खुद पर या तलवार के लक्ष्य पर डाल सकता था। ये रिचर्ड का इस कौशल का उपयोग करने का पहला सफल प्रयास था। जैद हरी रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही थी। उसके नीचे फर्श पर काई उगने लगी, जिससे हरे रंग की चादर बन गई। सिंक्लेयर को पहले तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी गहरी इंद्रियों ने उसे बताया कि कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। उसने सहज रूप से बचने की कोशिश की। उसकी आकृति रात में फीकी पड़ने लगी। हालांकि कौशल ने पहले ही जैद हरे रंग की रोशनी की एक किरण बना ली थी जो उसके स्थान पर गिर रही थी, जिससे जीवन शक्ति की एक आभा निकल रही थी जो पूरे आकाश को घेर रही थी। उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई देने लगी। ये कौशल जो आमतौर पर घायल लोगों को ठीक करता है, लड़की को चीखने पर मजबूर कर देता है। चांदनी ने सिंक्लेयर की त्वचा को छूते ही उसे जलाना शुरू कर दिया, जिससे कोहरे का एक बड़ा बादल बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सबसे तेज अम्ल से जलाया जा रहा हो, क्योंकि किरणें उसकी सुंदर त्वचा पर पड़ रही थी। उसके घावों से निकला मांस पिघलने लगा था। वह चीखी और महल की दीवारों से कूद गई, लेकिन हरी चांदनी ने उसे जाने नहीं दिया। जब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई तो वह फीकी पड़ गई। मेंटिकोर अंधेरे से बाहर निकल आया और अपनी मालकिन को पकड़ लिया। इस अराजकता के बीच वह पहले ही 20 शूरवीरों को खा चुका था, लेकिन इससे उसके खाली पेट को थोड़ी ही राहत मिली। आत्मा पठन ने उसे बहुत भूखा बना दिया था, और अफसोस कि युद्ध के मैदान में बहुत कम शक्तिशाली योद्धा थे। सिंक्लेयर मुश्किल से जानवर पर बैठ पा रही थी। उसका आकर्षक चेहरा चांदनी में इतना झुलस गया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। उसे जानवर की पीठ से गिरने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने रिचर्ड को बहुत ही घृणा से देखा और उसकी दाहिनी आंख सूज गई थी। उसकी बाईं आंख पहले ही हमले की वजह से अंधी हो चुकी थी। उसने उस पर उंगली उठाए और कर्कश स्वर में चिल्लाई, प्रिय उसे खा जाओ, एक भी हड्डी मत छोड़ना, मेरे लिए दिल छोड़ना, याद रखना, अपनी पूंछ से उसकी सभी औरतों को ले जाओ, मैं उन्हें मारने से पहले 10 दिनों तक यातना दूंगी। मेंटिकोर ने एक धीमी दहाड़ लगाई और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह महल के शीर्ष की ओर नहीं भागा, बल्कि अपने शरीर को घुमाकर दूर अंधेरे में एक धमकी भरी दहाड़ लगाए। सिंक्लेयर आश्चर्यचकित थी। यह मेंटिकोर एक ऐसा प्राणी था जिसे उसने बचपन से पाला था, और इसमें मनुष्य जैसी बुद्धि थी। उसके लिए उसके आदेशों की अवहेलना करना अत्यंत दुर्लभ था। वह अचानक पलटी। उसने देखा कि रिचर्ड दीवार के ऊपर से उसे दृढ़ निगाहों से देख रहा था। उसने अपनी गर्दन काटने से पहले उसकी ओर इशारा किया। अंततः मां युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुकी थी। ब्रूडमदर युद्ध में प्रवेश करती है। रिचर्ड ने महल की दीवारों के ऊपर से सिंक्लेयर पर एक आखिरी नजर डाली, फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखा। वह खुद को बेहोश होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। थकावट के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय किया। वह रक्षा की निगरानी करते हुए स्पष्ट दिमाग और होश में रहा। सिंक्लेयर को खत्म करने से पहले उसे इस आने वाली सेना को खत्म करना था।
कोई नहीं जानता था कि उसका कौशल और फ्लोसेन की दिव्य लपटें कितने समय तक टिकेंगी या युवती में अभी भी कितनी शक्ति बची हुई है। उसे जितने संभव हो सके उतने भालू रक्षक शूरवीरों को मारना और घायल करना था ताकि वह खुद को छिपा सके और एक बार फिर अपने हमले शुरू कर सके। ये लड़ाई समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हवा के भिड़िए पहले ही युद्ध के मैदान के चारों ओर एक चाप में फैल चुके थे और ब्लूडेमदर के पास पहुंच चुके थे। युद्ध अभी भी खूनी और तीव्र था। दसियों सैनिक अंगहीन होकर मर रहे थे। भालू रक्षक शूरवीरों को एक एक करके दीवारों से फेंक दिया गया और वे दहाड़ते हुए अपनी मौत के मुंह में गिर गए। सैनिक इन विदेशी राक्षसों को ऊपर आने से रोकने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहे थे। दुष्ट जादुई घोड़े महल के तल पर घूमते रहे, विरोधी सैनिकों को चीरते रहे। जो कोई भी नीचे गिरता था, चाहे वह अंधेरे का योद्धा हो, सामान्य सैनिक हो या आधा ऑक, उसे टुकड़ों में काट दिया जाता था। कभी कभी वे अपने स्वामियों के साथ सहयोग करते थे जो गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सामूहिक रूप से लोहे में घुसकर ऐसा मारते थे जैसे कि वे एक बैटरिंग्राम हो। हर समय चिंगारियां दिखाई देती थीं और गेट को हर जगह सेंध लगने में ज्यादा समय नहीं लगता था। दरारें इतनी चौड़ी थीं कि प्रकाश अंदर आ सके। दरवाजों के पीछे सैनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, जबकि एक जादूगर का माथा पसीने से लथपथ था क्योंकि वह एक लंबा थकाओ क्षेत्र मंत्र तैयार कर रहा था। हाथ में स्क्रॉल होने के बावजूद इस मंत्र को जपने में बहुत समय लगा, जबकि हर शब्दांश का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से करना था। एक बार पूरा होने पर 2 मीटर ऊंची बाधा जमीन से ऊपर उठ जाएगी जो एक स्थिर किला बन जाएगी। उन सभी ने पहले ही भालू रक्षक शूरवीरों के कप्तान की वीरता देखी थी। वे इन राक्षसों को अपने जादुई जानवरों पर आक्रमण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते थे। मीडियम रेयर और तिरामिसु महल के तल पर घोड़ों से लड़ रहे थे। वे अकेले थे जो गिरने के बाद भी ऊपर उठने में कामयाब रहे थे और भयंकर लड़ाई जारी रखी। हालांकि तिरामिसु अपने और अपने भाई पर पत्थर की खाल डाल रहा था, लेकिन काटने के कारण उन दोनों के शरीर पर कट और चोट के निशान थे। सौभाग्य से ओला को दीवारों के शीर्ष पर एक अच्छी जगह मिल गई थी जिससे वह अपने युद्धगीत और धनुष से उनका समर्थन कर सकता था। रिचर्ड ने अपने निचले होंठ को काटा, अपने अंदर के संयम को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने शांति से एक के बाद एक आदेश जारी किए, युद्ध के मैदान में सैनिकों के मिश्रण को निर्देशित किया। सिंक्लेयर के साथ युद्ध के दौरान 10 से ज्यादा कुलीन और 50 सैनिक मारे गए थे, लेकिन अब जब रिचर्ड के पास कमान थी तो नुकसान को तुरंत नियंत्रण में लाया गया। व्यवस्थित संरचनाओं ने शानदार आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं प्रदर्शित की। हालांकि बियगार्ड शूरवीरों की विशाल कुल्हाड़ियों के हर वार से कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन दूसरे सैनिक पलक झपकते ही खाली जगह को भर देते थे। ये जीत अनगिनत लोगों की जान पर आधारित थी, लेकिन ये जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका भी था। बर्बर रेगिस्तानी योद्धाओं और बैरन के अपने कुलीनों के चेहरे पूरी तरह से तनावग्रस्त थे। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वे बिना किसी मौत के डर के लहर दर लहर निडरता से आगे बढ़े। रिचर्ड की नज़र में पूरी तरह से अराजकता में डूबी लड़ाई पहले ही निर्णायक क्षण पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसे अभी भी जीत का पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वह अब और इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसने हवा के भेड़ियों और ब्लूडेमदर को आदेश भेजा और हमला शुरू कर दिया। सिंक्लेयर के नेतृत्व में महान जादूगर अंधेरे की आड़ में तेजी से ट्वाइलाइट कैसल की ओर बढ़ रहा था। बचाव पक्ष ने इलाके को बदलने वाले मंत्र के साथ सफलता प्राप्त कर ली थी, जिससे उनके पास हमला करने और दीवारों पर कब्जा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आधे से ज्यादा भालू रक्षक शूरवीर पहले ही महल में घुस चुके थे। उनमें से कुछ टावरों के शीर्ष पर पहुंच गए और बैलिस्टे को टुकड़ों में काट दिया। उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा समाप्त हो गया था। शूमपीटर सेना को यह नहीं पता था कि प्रत्येक बैलिस्टा के साथ केवल 2 बोल्ट ही आते थे। दुश्मनों को ट्रैक करने वाले ये बोल्ट बहुत महंगे थे और 2-2 बोल्ट हासिल करने में भी 1 दशक से ज्यादा का समय लगा था। महान जादूगर कुछ ही दूर जा पाया था कि अचानक वह रुक गया और चारों ओर सतर्कता से देखने लगा। घने कोहरे से एक के बाद एक विशाल भेड़िए निकल आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पहले भी बेजान भेड़िए देख चुके थे। महान जादूगर चिंतित हो गया। हालांकि ये भेड़िए बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन किसी तरह वे खतरे का प्रबल आभास देते थे। हर पल और अधिक भेड़िए दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे अंतहीन धारा में हों। इनमें से एक भेड़िया बाकी भेड़ियों से स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा था, जो उसे ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए जादूगर को लगा कि उसे कोई इंसान देख रहा है। और वास्तव में महल की दीवारों पर रिचर्ड की दृष्टि इस अभिजात वर्ग के साथ तालमेल बिठा चुकी थी। महान जादूगर सतर्क था और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन यही वह चाहता था। ये उसके पवन भेड़िए थे, सामान्य जानवर नहीं जो केवल पहली नजर में ही झपटना जानते थे। आंतरिक घेरा सपाट हो, मध्य घेरा झुके, बाहरी घेरा लंबा हो, रिचर्ड ने कुलीनों को आदेश दिया। फिर दोनों ने कई लंबी चीखें निकाली, अपने नीचे के पैक्स को निर्देशित किया, ठीक वैसे ही जैसे कप्तान अपने जनरल से आदेश लेते हैं। इस तरह रिचर्ड को केवल कुछ आदेश जारी करने की आवश्यकता थी, जिससे उसे बहुत अधिक ऊर्जा बचाने में मदद मिली।
लानत है, हालांकि ये जीव सामान्य भेड़ियों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे जो हमला करने वाले थे, लेकिन महान जादूगर को सहज रूप से पता था कि यह कुछ भी अच्छा नहीं था। ये विशाल भेड़िये अपनी हरकतों में बहुत व्यवस्थित थे। वे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना की तरह लग रहे थे जो एकरूपता के लिए इतने समायोजित थे कि इससे वह डर गया। वह अब अपने कीमती उन्नत स्क्रॉल के बारे में परवाह नहीं कर सकता था, एक को खोलना जो उसे किसी यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता था। यहाँ तक कि एक महान जादूगर को भी ऐसे शक्तिशाली स्क्रॉल का उपयोग करने के लिए एक संक्षिप्त मंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने शुरू करने से पहले अपने चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। यह एक छोटा मंत्र होगा, केवल 15 सेकंड की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि अगर ये भेड़िये उस पर झपटने की कोशिश भी करते हैं तो वह उस अवधि तक टिकने में सक्षम होगा। हालांकि रिचर्ड ने पहले ही एक और आदेश जारी कर दिया था, फायर। हवा के भेड़ियों के मुंह से सैकड़ों हवा के ब्लेड निकलने लगे और एक विस्फोट हुआ जो जादूगर पर इकट्ठा हुआ और एक ही बार में उसकी ढाल को तोड़ दिया। अनगिनत चोटें एक पल में उसके शरीर को छलनी कर गईं, खून के तीर निकल रहे थे और खून के धुंध के बादल में इकट्ठा हो रहे थे। फिर वह मांस के अनगिनत टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया जैसे कि वह एक नष्ट स्तंभ था। इसके बाद दोनों शक्तिशाली सेनाएं महान जादूगर की तरह बहती धाराओं को पार करते हुए सिंक्लेयर की ओर बढ़ी जो महल के नीचे था। सिंक्लेयर को मेंटिकोर के ऊपर से एक अवर्णनीय भय महसूस हुआ। कोहरा इतना घना था कि वह नंगी आंखों से सैकड़ों मीटर दूर तक नहीं देख सकती थी, खास तौर पर जंगल की ओर, क्योंकि घने कोहरे ने सब कुछ अंधेरे में छिपा दिया था। उसे यकीन नहीं था कि दूर के महान जादूगर को आखिर क्या हुआ था, आखिर क्यों वह सिग्नल भेजने के इतने समय बाद भी वहां नहीं पहुंचा। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।